कैसे चलाती है? एक साल का 4,000 और एक घर कैसे चलाती है? घर क्या चलेगा मैडम जी, हमारे बच्चों का ट्यूशन फीस नहीं निकलता है। आजकल के जमाने में जितने रुपया हो गया है बाजार का दर दाम, कुछ खरीद भी नहीं सकते हैं। महिलाएं जो घर में बैठती हैं, जो घर पे रहती हैं और घर संभालने के साथ साथ और भी सारे काम करती हैं, मतलब एक तरफ अगर आप देखें तो ये कहा जा रहा है कि महिलाएं जो है वो पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको बता दें कि उससे भी ज्यादा है, पुरुष जो है वो घर बाहर काम करते हैं, लेकिन ये महिलाएं जो घर पर काम करती हैं उसके बाद भी ये बाहर काम करती है। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं और ये जो पूरा जंतर मंतर है आज पूरा यहाँ महिलाओं के शराब से भरा हुआ है। एक कहीं एक जगह से ये महिलाएं नहीं है, पूरे देश से महिलाएं हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो है और उनको लेकर ये यहाँ जंतर मंतर पर आई और कह रही है कि हम सरकार को बता रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उन सारी बातों को सुन लीजिए, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। हमको किसी और के सामने अपना हाथ फैलाना पड़ता है पैसे के लिए, अपने खर्च के लिए। आप कहाँ से आई और क्या नाम है? उड़ीसा से आएगा, नरिनी नंदा है। क्यों आई है जंतर मंतर पर? हमारा ज्यादा असुविधा है, दरमा कम दिएगा, दरमा 18,000 20,000 कह रहे, दरमा पाएगा चाहिए 7,500 में, ज्यादा कम दिएगा, कम चाहते सुबह से संध्या से। हाँ। ज्यादा काम कितना काम करना पड़ता है? हम केंद्र सरकार 6 सेवा देगा, तो राज्य से 60 सेवा करेगा। 60 सेवा का हमको अंडा बंटन, छतुआ बंटन, बच्चा माँ का पेट में बच्चा ज्यादा से हरिश्चंद्र मृत्यु तक सब योजना हम करेगा। गाँव से इलेक्शन का, ये पैखाना का सब काम हम अपन करते हैं, काम के दाम कुछ नहीं देगा, बार 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 काम बढ़ता है, दरमा नहीं बढ़ता। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है? उड़ीसा से। क्या यहाँ क्यों आई जंतर मंतर पर? नाराली जंतर मंतर पर क्यों आई? क्यों आई जंतर मंतर पर? हमारा डिमांड पूर्ण कर, हमारे डिमांड के लिए हम आए। क्या डिमांड है? हम बहुत सारे काम करते हैं उड़ीसा सरकार का, ये सेंट्रल का बहुत काम करते हैं, ओडिशा गवर्नमेंट का बहुत काम करते हैं, तब भी हमें ओडिशा सरकार कोई सैलरी नहीं देता है। क्या सैलरी नहीं मिलती आपको? वो इंसेंटिव बोलते हैं उसको, सैलरी नहीं देते हैं हमको। हाँ, कितना पैसा मिलता है? हमको 7,500 देते हैं। कैसे चलाती है? एक साल का 4,000 और एक घर कैसे चलाती है? घर क्या चलेगा मैडम जी, हमारे बच्चों का ट्यूशन फीस नहीं निकलता है। आजकल के जमाने में जितने रुपया हो गया है बाजार का दर दाम, कुछ खरीद भी नहीं सकते हैं, मतलब दूसरे के सामने हाथ फैलाने पड़े। हाँ ऐसा ही है, दूसरे के सामने भीख मांगना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है और क्या, ये सरकार के सामने ये भीख मांग के तो ये डिमांड पूर्ण कर। सरकार तो कह रही है कि महिलाओं के साथ है, महिलाओं का काम कर, कहीं हुई बात है, कोई भी ये सच्ची बात नहीं है। सच तो है, झूठ कहाँ है? सिर्फ बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ, ऐसे बेटी लोगों को ऐसे ऐसे बीच रास्ते पे हम आके बैठेंगे, ये क्या माँ को सम्मान है? ये कहाँ से आई हैं आप? क्या क्या सरकार जो है जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो झूठ बोल रही है? सब झूठ बोला, झूठ बोल रही है। कैसे, कितनी सैलरी मिलती है आपको? 7,500 मिला। कैसे घर कैसे चल रहा है? सब नहीं चल रही, नहीं चलिए, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। क्या क्या मतलब क्या क्या समस्याएं आती हैं? बच्चे के पाठ पढ़ा के समस्या है, हमारा खाना पीना के सब है, डाली के जी 190 रुपया है, किंतु हम डाली दे 130 रुपया का, सबसे असुविधा है। क्या नाम है? रिंकी बेहरा। क्यों यहाँ जंतर मंतर पर? हमारा प्रॉब्लम है, हम आंगनबाड़ी कॉलोनी हूँ, तो इसलिए हम दिन रात काम करते हो, लेकिन हम जितना काम करते हो इतना सैलरी हमें नहीं मिलता। कितना काम कितने घंटे काम करते? 24 घंटे काम करते हो, रात में भी फोन करते हैं, रात में भी काम देते हैं, एनी मोमेंट में हमारा ऑनलाइन काम करती हूँ। हम जितना पहले हमारा अब हम क्वेश्चन ट्रैक ऑनलाइन काम दिए है, जो काम ज्यादा काम करती हूँ लेकिन बहुत कम सैलरी हमें मिलता है।
तो हमारा दावी है कि हमें जितना काम करते हैं हमें इतना ही सैलरी दीजिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मतलब हमारा 18,000 हमारा दावी है, इतना ही सैलरी हमें चाहिए। कौन सा काम करती है? हम सब काम करते हैं, ममता काम करते हैं, पोषण ट्रकों का काम करते हैं, और वो इलेक्शन काम करते हैं, सब राशन काम करते हैं, स्वास्थ्य काम करते हैं, सब भी काम करते हैं। घर वाले क्या कहते हैं कि इतना देर तक काम करती हैं आप, आपको पैसा नहीं मिलता है, कुछ कहते हैं? सिर्फ काम करते हैं इसलिए काम कर रही हूँ, लेकिन हम हमारा काम के वजह से हमको सैलरी इतना नहीं मिलता है। बहुत परेशान हो कि हमारा फैमिली नहीं चल रहा है इस काम से, घर नहीं चल पा रहा है, किसी और से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। हाँ, मांगने पड़ते, स्कूल चलाने के लिए भी पैसे मांगने पड़ते हैं, क्योंकि हमें अंडा के रेट है 7 रुपीज, लेकिन हमें 5 रुपीज दे रही है। अच्छा, 5 रुपीज में आपको तो पता है कि एक नहीं मिलता है ना, लेकिन हम हमारा हाथ ये से मैं उधार उधार करके आंगनबाड़ी चलाती हूँ। अच्छा, कितने दिन से आप लोग पढ़ रही हम हम बहुत दिन से लड़ रहे हैं, बारम्बार दिल्ली में भी 2017 में भी आए थे, 2017 में भी यहाँ आए थे, कभी कुछ नहीं हुआ। पोषण ट्रैकर एक ऑनलाइन काम है, जो ऑनलाइन में हम काम करते हैं रात और दिन, 2 GB का मोबाइल दिए हैं और 2 GB में कुछ काम नहीं होता है। कहाँ से आए? मध्य प्रदेश से। जरा ये बताइए कि कितनी समस्याएं होती हैं? हम बहनों के लिए कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, शासन की तरफ से हम लोगों के लिए विभागीय काम के लिए भी बोला गया है, लेकिन हम लोगों से सब प्रकार जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक के हर काम करना, क्या कर, जैसे कि गर्भवती का पंजीयन करवाना है, चुनाव में ड्यूटी लगती है हम लोगों की, स्कूल में सर्वे में, बच्चे के टीकाकरण में, उनकी जांचों में, हर विभाग में हम लोगों की लगाई जाती है। कितने घंटे काम करती है? हम लोगों को सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करना पड़ता है। और सैलरी? सैलरी हम लोगों की, हम लोग मिनी कार करता है, मात्र हम लोगों की अभी तक 5300 रुपये लगी है, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने अभी बढ़ाई है तो हम लोगों की 6500 रुपये है। अच्छा, 5300 से बढ़ा दी तो 6500? हाँ, 750 रुपये बढ़ाया गया मात्र। हाँ, अच्छा अच्छा, एक चीज और, ये जो बढ़ने बढ़ाने का सिलसिला है, इसमें कितना आपको फायदा हो जाता है और घर खर्च कैसे चला लेती है? कहाँ चलता है हम लोगों का, इसीलिए तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, आखिर 6500 रुपये में क्या होता है, कैसे हम लोग अपना घर परिवार चलाएं, कैसे बच्चों का। मध्य प्रदेश की सरकार बहुत सारे लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सबके लिए कर रही है, लेकिन सरकार हम लोगों का शोषण कर रही है। शोषण कर रही है सरकार? शोषण तो है ही, हम लोग जमीन में स्तर से हम लोग काम कर रहे हैं, तो सरकार हम लोगों के लिए क्यों नहीं बढ़ा रही है? कहती है महिलाएं सबसे आगे। हाँ, ये महिलाएं सबसे आगे, वो झूठ बोल रही है। नहीं, कहाँ से आप? यूपी अयोध्या। यूपी अयोध्या से आई है? क्या क्या समस्याएं हुई जो आई है अयोध्या छोड़ के आप? हमें टुकड़ी टुकड़ी राशियों में जो दिए जाते हैं, जो भी 2 पैसे टीकाकरण के, तो ये पैसे डिलीवरी के, तो ये पैसे हमारे सारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे पैसे उनके भेंट चढ़ जाते हैं। अच्छा, आपके आपके पैसे अधिकारी को पूजा चढ़ जाती है? अधिकारी रख लेते हैं, देते ही नहीं, सब मिल बांट के खा लेते हैं। रुपए में कानून तो बड़ा सख्त है, केवल कहा जाता है ये तो। अच्छा, बाबा कानून खाली कहने के लिए? केवल बाबा कहते हैं, लेकिन उनके अधिकारी धड़ल्ले से लूट रहे हैं, बाबा के अधिकारी धड़ल्ले से लूट रहे हैं, हमारे मानदेय हमें नहीं दिए। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है? ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। बाबा कह रहे हैं कानून बड़ा अच्छा है, अधिकारी अंदर अंदर लूट रहे हैं सब, लेकिन अधिकारी इनके पूरी तरह लूट रहे हैं। अगर हम लोग आवाज अधिकारी हैं? हाँ, बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारी हैं। हम लोग आवाज उठाते हैं तो हमें धमकी दे करके, हमें डरवा करके, हमें परेशान करके चुप कर दिया जाता है। हमारे अधिकारी हमें धमकी देते हैं। अच्छा, मतलब आपका आपका पैसा खा जाते हैं, साफ कर जाते हैं, और जब आप आवाज उठाते हैं तो धमकी देते हैं, निकाल बाहर कर देंगे, स्पष्टीकरण दो, तुम्हें निकाल देंगे, तो और हमारे पैसे जो हमारे बनते हमारे नहीं देते हैं, और वालों को भले दे देते हैं, जो आवाज उठाता है उसे परेशान, जो आवाज उठाता है उसको किनारे कर देते, किनारे कर देते हैं, परेशान। कभी इसकी कंप्लेन आपने सरकार तक नहीं की? सरकार तक गई, सरकार सुनती ही नहीं, उनके अधिकारी सब दबा लेते हैं। अच्छा, मतलब अगर आप बात भी बड़ी विडम्बना है, यहाँ पर कहते हैं कि अधिकारी जो है वो काम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है कि महिलाओं का जो वेतन है उसको पहले तो अधिकारी खाते हैं, और अगर कोई महिला उसके खिलाफ आवाज उठाती है तो उसको ले जाके, क्योंकि अब महिला है
कंप्लेन कहाँ करेगी, अधिकारी के थ्रू बात जो है वो सरकार तक जाएगी तो वो उसको ही दबा देते हैं। और कैसी कैसी समस्या है? और समस्या ये है कि हमें डिलीवरी पर पैसे देते हैं और जो हमारी डिलीवरी है हमारे स्टाफ नर्सेज हमारे डॉक्टर सब अलग अलग अपना नर्सिंग होम खोल चुके हैं। उसे जैसे हम लेके आते हैं हॉस्पिटल पर, कहते हैं बच्चा खतरे में है, यहाँ नहीं होगा, हमारे नर्सिंग होम पर लेके जाइए, मोटिवेट करके लेके चले जाते हैं। और हमारे अधिकारी हमें धमकियाँ देते हैं, प्रसव नहीं हो रहा है आप निकल बाहर कर दी जाओगी, आप प्राइवेट लेके जाती हो, जबकि हमारे डॉक्टर खुद अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोले हैं, अपनी प्राइवेट क्लिनिक के लिए हॉस्पिटल से रिफर कर लेते हैं, हॉस्पिटल पे नहीं देखते हैं, नहीं बढ़िया प्रसव कराते हैं, नहीं बढ़िया सब करते हैं, प्राइवेट रिफर करके अपने नर्सिंग होम पे करवाते हैं। अच्छा, और मतलब डॉक्टर भी अंदर से मिले हुए सब खींच रहे हैं, सब खींच रहे हैं और हम लोगों को दोषी करार दे करके कहते हैं निकाल बाहर कर दी जाओगी, तुम लोग प्राइवेट डिलीवरी लेके जाती हो। अच्छा, मतलब वो ये नहीं कहते कि डॉक्टर ने ले जाने के लिए बोले? नहीं, यही नहीं हुआ, एक आध बार ऐसा हुआ कि जब मरीज आता है गांव से तो मरीज आशा को नहीं छोड़ते हैं, कहते हैं तुम भी चलो, अगर हम लोग साथ गए तो हमारे वीडियो बना के हमारी खिल्लियाँ उड़ाते हैं, डांटते हैं, हमें प्रताड़ित करते हैं, हमारे नाम केस करवाते हैं। कौन करवाता है? यही जो सरकारी डॉक्टर हैं, जो अधिकारी हैं, ये सब इसमें एकदम मिल के हमारे पैसे बांट ले रहे हैं। और जब हम मांगते हैं तो मात्र 10 मदों का पैसा हमें दे करके मात्र महीने में 2500, 3000, 4000 ही देते हैं, इसके बाद एक पैसा नहीं देते हैं। और जो हमारे पैसे हैं अगर हम मांगते हैं तो BCPM कहता है BPM जाने, BPM कहता है BM जाने, डॉक्टर जाने, सबको गोल गोल घुमा ले रहे हैं, गोल गोल घुमा ले रहे हैं। ब्लॉक वाले कहते हैं जिले से नहीं है, जिले वाले कहते हैं भेज दिया गया, ब्लॉक से नहीं दे रहे हैं। और जब हम ब्लॉक पे मांगते हैं ब्लॉक द्वारा शोषण किया जाता है, डांटा फटकारा जाता है, धमकाया जाता है, जिले जाते हैं तो जिले के अधिकारियों द्वारा बार बार डांटा फटकारा धमकाया जाता है। हमें नहीं चाहिए ये टुकड़ी टुकड़ी राशियों का मानदेय, हमारा एक निश्चित मानदेय हो बस, सबके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं, सरकार से पैसा है, बस सरकार से पैसा है, इनके खाते में आता है। अच्छा, पैसा हमारे डॉक्टर और हमारे CMO के ज्वाइंट खाते में आता है, वहाँ से हमको ये लोग भेजते हैं, इसलिए हमारे पैसे ये लोग इधर उधर करके बांट लेते हैं। कहाँ से आई है? रतलाम जिले से। रतलाम जिले से। क्या क्या समस्या है? हमारी समस्या कोई, हमको तो ये है कि 13000 मिलती है हमको वेतन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है हम और रतलाम जिले से आए हैं, लेकिन 13000 में कुछ नहीं होता है, हमारा थोड़ा मानदेय बढ़ना चाहिए, कम से कम 25000 तो होना चाहिए। हम यूपी के अम्बेडकर नगर जिले से। क्या स्थिति आ रही, क्या दिक्कत आ रही है? अम्बेडकर नगर में, यूपी के अम्बेडकर नगर में हम लोगों की बहुत दुर्दशा है, बहुत स्थिति खराब है, हम लोगों को मात्र 2200 रुपए का भुगतान किया जाता है, उसमें भी 4 महीने 6 महीने रोक दिया जाता है, और रोकने के हाँ, 4 महीने 6 महीने रोक दिया गया, कैसे कैसे चलता है वो तो भगवान जाने, कैसे हम लोग जी रहे चला रहे हैं, मतलब ये 4-6 महीने रोक देते हैं, उसके बाद जो हमारा बजट बना रहता 2200 रुपए के हिसाब से उसमें से भी काट लेते हैं। मतलब एक तरफ तो सारा पैसा रोक रहे हैं और जब इकट्ठा हो जा रहा है तो काट ले रहे हैं, उसका भी 2200 का भुगतान में उसमें भी काट ले रहे हैं, और हर ब्लॉक में किसी आशाओं का किसी मुद्दे का पैसा दिया जाता है, किसी ब्लॉक में किसी मुद्दे का पैसा दिया जाता है, टोटल पैसा किसी बैंक का भुगतान नहीं हो रहा। हाँ, कौन रहा? सब ऊपर से लेके CMO से लेके अधिकारी IC से लेके सबका मिली भगत होती है, सबका मिली भगत होती है, इसमें सबकी मिली भगत होती है। कैसी 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 समस्याएं आ रही है भाई? समस्याएं तो बड़ी है, समस्याएं हम लोग कह के नहीं पखान सकते, हाथ फैलाना पड़ता है, बहुत फैलाना पड़ता है, घर वालों सरकार नहीं सुन रही, सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही, सरकार हम लोग बिल्कुल समझ नहीं रही है। अभी हमारे उड़ीसा की बहनें बोल रही है हमको 7000 मिल रहा है, हमारे यूपी में योगी बाबा हम लोगों को 2200 का भुगतान करवा रहे हैं, 2200 रुपए में एक महीने काम करती है, एक महीने में 2200 का भुगतान, एक दिन मजदूर से भी बदतर, मजदूर से भी बदतर जिंदगी हम लोगों की, 24 घंटा गाँव समाज देश की सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारी स्थिति बस से बदतर हो गई है, 2200 में काम करवा के 4-6 महीने एक मजदूर को एक दिन में 500 रुपए मिलते हैं, आपको सिर्फ 70-80 रुपए, 70-80 रुपए कहाँ पड़ता, वो भी नहीं पड़ता मैडम, आयुष्मान का कार्ड बनवाए एक भी रुपया नहीं दिए, सारा अभियान जितना चलवाते हैं हम ही लोग करते हैं, अब हम लोग बंद करते हैं इनका कोई अभियान सफल नहीं होगा, लेकिन हमें अभियान का एक पैसा नहीं दिया जाता है, हमको अभियान फ्री में करवाया जाता है। घर वाले क्यों बाहर निकल रहे हैं? घर वाले अब क्या है कि हम लोगों साफ छछुंदर वाली कहानी हो गई है कि खाए या थूके, है ना, करें या छोड़े, ये हमारी स्थिति है, क्या करें, बेरोजगारी है।
भुखमरी है, क्या करे, करना ही पड़ता है मजबूरी में। घर वाले बाहर क्यों निकलने दे रहे हैं, कर रोकते नहीं है कि इतने में क्या हो रहा है? बस यही आशा लगी है कि आज मानदेय हो जाएगा, कल मानदेय हो जाएगा, और मानदेय दे ही नहीं रहे हैं, सुनी नहीं रही है सरकार। सरकार हमारी कहती है हम महिलाओं का संरक्षण कर रहे हैं, हम महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, महिला शोषण नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन हमारे सरकार के आंखों तले कर्मचारी के रूप में हमारे सरकार की आशा बहुएं एक एक पैसे के लिए, कौड़ियों के लिए तरस रही हैं, उनके पैसे टुकड़े टुकड़े राशियों में काट के बांट लिए जा रहे हैं। क्या क्या यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में सबसे ज्यादा आशाओं की शोषण हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारे जिले में तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। सरकार तो यूपी में तो कहा जाता है कि महिलाओं की स्थिति सबसे बढ़िया है, बहुत खराब है, बस से बदतर हम लोगों की जिंदगी जी रहे हैं। महिलाएं हैं जो रो रही है जंतर मंतर पर आके, और उस प्रदेश की सरकार जो कहती है कि हम काम कर रहे हैं, जो कहती है कि महिलाओं के साथ है, वो महिलाएं वही की महिलाएं हैं आज यहाँ खड़ी हुई है, ये अयोध्या की है और ये जो है अम्बेडकर नगर। हमारा महंगाई के हिसाब से हम लोगों को वेतन नहीं दिया जाता है जो देना चाहिए। मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समझते हैं कि जब हमारा ऑल इंडिया नियुक्ति हुई है, हर प्रदेश में हम लोगों की नियुक्ति है, हम लोग काम कर रहे हैं, तो किसी किसी प्रदेश में 7,000 है, 8,000 है, एक किया जाए। और हमारे प्रदेश में भैया हम लोग इतने ज्यादा गए गुजरे हैं, 2,200 रुपया दे रहे हैं, कहाँ की ये नियत नियम है? एक किया जाए सब जगह, एक वेतन किया जाए, निश्चित काम निश्चित दाम। बताइए कि एक वेतन किया जाए, एक मानदेय किया जाए, भले ही एक वेतन किया जाए, भले ही हमसे रोज ड्यूटी नहीं जाए, हमारे रोज सिग्नेचर कराई जाए, लेकिन हमारा एक मानदेय और न्यूनतम मजदूरी के अनुसार कम से कम 18,000 हमारा मानदेय होना चाहिए। हम कर्मचारी हमको घोषित किया जाए, हमारी सिर्फ एक ही मांग है। क्या मांग है? सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित, सरकारी कर्मचारी किया जाए, सरकारी कर्मचारी सरकारी यूनिफॉर्म सबका होना चाहिए, एक एक मानदेय होना चाहिए सबका। हाँ, हमें सरकारी कर्मचारी की चाहिए, सरकारी कर्मचारी घोषित, हाँ घोषित किया जाइए। और हमें जो हेल्थ, हमारा आशा दीदी है ना हेल्थ वर्कर, वो हमारे एक जीकेएस फंड है, हमें वो जीकेएस से बात देना चाहिए, क्योंकि हम वो काम नहीं करेंगे। ये खत्म करे वेतन दे, इंसेंटिव खत्म करे वेतन दे, इंसेंटिव की बात हो रही है। ये महिलाएं हैं यहाँ पर और लगातार ही इनकी स्थिति जो है रोने की हो गई है, बड़ी खराब स्थिति है। उत्तर प्रदेश जो कहता है बहुत सारे, हालांकि हम जो है वो जिक्र करेंगे, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर जिन्होंने बताया कि अधिकारी उनके ऊपर के जो अधिकारी है वो उनका सारा पैसा खा जाते हैं, और वो जब अस्पताल में किसी मरीज को लेकर जाती है तो वो वहां से उनको धक्का देकर अपने प्राइवेट अस्पताल में भेज देते हैं। जब उनको प्राइवेट अस्पताल में भेज देते हैं तो इनका जो अधिकारी हो कहता है तुम उनको प्राइवेट में क्यों ले गई, वीडियो बनवाते हैं, बेइज्जती करते हैं उन महिलाओं की जो हमेशा बच्चे का जब तक जन्म नहीं हो जाता या जब से बच्चा जो है वो या इस दुनिया में आ नहीं जाता तब से लेकर लगातार वो लड़ती रहती है, उनका देखभाल करती रहती है, लेकिन उनकी कोई देखने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ की महिलाएं यहाँ पर आई हुई है और कह रही है कि कहीं पर 5,300, कहीं पर 5,500, कहीं पर 6,000, कहीं पर 2,200, कहीं पर 7,000, अलग अलग क्यों? जब हम एक हैं तो हमको जो है एक जैसी राशि क्यों नहीं मिलती, एक जैसा मानदेय क्यों नहीं मिलता? देखते रहिए आप दबंग।